कोरोना के संकट के बीच में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जनहित में कई फैसले लिए गए। ऐसे में कोटा संभाग के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल सरकार ने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों समेत पूरे प्रदेश में 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन कोटा संभाग में गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण सरकार ने प्रदेश में गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 18.5 लाख मैट्रिक टन बनाने का निर्णय लिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने इस पर बताया कि विभाग के आला अधिकारियों के साथ में इस संबंध में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया और साथ ही में सरकार की मंशा ये भी है कि कोरोना की महामारी के दौरान प्रदेश के किसानों को उनकी उपज की अधिकतम राशि प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। तो वहीं भारतीय खाद्य निगम के लिए गेहूं भंडारण के स्थान की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की रहेगी। आपको बताते जाएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सांसद और साथ ही में विधायकों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा संभाग के जनप्रतिनिधियों ने ये मांग रखी, जिस पर विभाग ने ये निर्णय लिया है। समय में तो इसका हम थोड़ा समीक्षा कर लेंगे कि लक्ष्य को और कितना बढ़ाया जा सकता है। हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी का लक्ष्य है, किसान को इस आपदा के समय में पूरा समर्थन मूल्य MSP मिलना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी उसी के अनुरूप हमने लक्ष्य बढ़ाए हैं। तो जैसे जैसे ये खरीद होगी और हमें जरूरत पड़ी तो दोबारा हम FGI से मीटिंग करके माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इस लक्ष्य को और भी बढ़ा सकते हैं। और जहाँ के जो अन्य जिले भी हैं वो भी यदि उनकी जनप्रतिनिधियों की और की मांग आती है तो वहां भी हम लक्ष्य को बढ़ा